हेलो दोस्तों, मैं अमित आज फिर आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जो काफ़ी रोचक रहेगी। दोस्तों, यह वीडियो डैशबोर्ड और जो गाड़ी की रूफ है इसको जो क्लीन करने से रिलेटिव रहेगी। दोस्तों, हम इसको जो यह डस्ट पार्टिकल लग जाता है इसको हम साफ़ करेंगे। इस पे ब्लैक होल ज़्यादा आ गए हैं। जो गाड़ी की रूफ है, डैशबोर्ड पर भी काफ़ी मॉइस्चर हैं, यानी कि यह भी काफ़ी हद तक जो ख़राब हो चुका है। इसको हम जो यह 3N कंपनी का प्रोडक्ट है, जो एक फोमर है उसके साथ साथ क्लीन। गाड़ी को क्लीन करेंगे। और दोस्तों, यह प्रोडक्ट है, हम काफ़ी समय से यूज कर रहे हैं। यह काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। फोमर है तो दोस्तों आपको क्लीन करके उसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरह का इसका रिजल्ट है, कैसे यह काम करता है, किस तरह आपको यह यूज करना है। अगर दोस्तों आपको यह हमसे प्रोडक्ट लेना है तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ सकती हैं। और दोस्तों, उसके बाद हम जो ये गैलियो कंपनी की जो स्प्रे पॉलिश है उसको यूज करेंगे। जो फोमर है वो दोस्तों इसके मॉइस्चर को दूर करेगा और जो ये पॉलिश है वो इस पे काफ़ी हद तक शाइन लाएगी, जो इसकी शाइन ख़त्म हो जाएगी। अगर दोस्तों ये दोनों प्रोडक्ट हैं जो वो आपकी गाड़ी को लगभग 80-90% ट्रैकलिंग कंप्लीट कर देंगे। ये जो प्रोडक्ट हैं इनका प्रयोग जो है आप घर पर भी कर सकते हैं, जो कि आपका समय बचाएंगे और कम खर्चे में आपका काम चल जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। और दोस्तों, ये जो डस्ट होता है, जो गाड़ी की रूफ होती है वो ब्लैक होने का कारण लगभग जो स्मोकिंग होती है, गाड़ी के अंदर स्मोकिंग करते हैं, उससे काफ़ी हद तक जो गाड़ी की रूफ है वो ब्लैक हो जाती है, हल्के हल्के धब्बे हो जाते हैं। और जो गाड़ी की रूफ पर डस्ट के जो हाथ लगते हैं उससे भी गाड़ी की रूफ है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है। तो हम जो ये दो प्रोडक्ट हैं, फोमर और जो पॉलिश है, उसकी मदद से आपको गाड़ी जो है वो कंप्लीट करके दिखाएंगे, कंप्लीट साफ करके दिखाएंगे। दोस्तों, यह यूज करने से पहले आपको जो सेफ्टी है वो बरतनी हो पड़ेंगी, जैसे मास्क यूज कर ले पहले। और दोस्तों, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है उस पर जो ये फोमर है उसको यूज़ तो करें, लेकिन दोस्तों कम मात्रा में इसको यूज करोगे तो काफ़ी जो अच्छा रहेगा। और दोस्तों, जो इसकी छत है उस पर कंप्लीट जो फोम है उसको स्प्रे करें। और जो इसके जो साइड पिलर होते हैं जो उनको भी फोमर के जरिए कंप्लीट करें। दोस्तों, यह जो फोम है यह कंप्लीट गाड़ी पर लगने के बाद जो उसको जो गाड़ी पर कम से कम 5 या 10 मिनट तक गाड़ी पर ही पड़ा रहने दे, और जो जगह है कहीं पर भी जहाँ डस्ट है, जैसे जो इसकी साइड विंडो हैं, सीट कवर है, सीट कवर अगर दोस्तों ज़्यादा ख़राब हैं या अगर उन पे कोई निशान है पेंट का या और कुछ है तो आप उस पर भी यूज कर सकते हैं। और विंडो पर तो आप यूज कर ही सकते हैं, विंडो भी जो लगभग ख़राब हो ही जाती हैं। और इसके साथ साथ आपको इसे इसको साफ़ करने के लिए एक माइक्रोफाइबर जो है वो क्लॉथ उसका यूज़ करना पड़ेगा। अगर माइक्रोफाइबर क्लॉथ नहीं है, नॉर्मल अगर आप कपड़ा यूज करेंगे तो दोस्तों जो कपड़े के रूएं होते हैं वो आपकी छत पर चिपक जाएंगे, जो आपकी छत को साफ करने की बजाय और भी ज़्यादा गंदा कर देंगे।
दोस्तों जो फोम होती है उसको जो एसी वाले कंपोनेंट हैं उनमें अच्छे तरीके से स्प्रे कर ले, जिससे जो अंदर का जो डस्ट है वो जो स्प्रे फोम है उसको क्लीन अच्छे से कर देगी। और दोस्तों जो माइक्रो फाइबर क्लॉथ है उसके साथ आप एक बार साफ करें थोड़ा, हाँ जो प्रेशर है माइक्रो फाइबर के साथ उसके साथ आप यूज करेंगे, जिससे कि थोड़ा दबाव देंगे तो जो डस्ट है वो अच्छे से क्लीन होगा। लगभग दोस्तों इसको करने में आपको 15 या 20 मिनट लगेंगी, टाइम तो लगेगा। अगर आपको अच्छे से क्लीन करनी है तो लगभग 1 घंटा या 2 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ क्लीन करने के बाद जो गाड़ी है वो लगभग अच्छी तरीके से निकल के आएगी। अगर दोस्तों आपके पास घर पर माइक्रो फाइबर क्लॉथ नहीं है तो आप जो आपकी जो पुरानी सॉक्स हैं उनके साथ भी आप माइक्रो फाइबर क्लॉथ का ही जो काम कर सकते हैं, वो एक जुगाड़ ही रहेगा। तो दोस्तों जो फोमर है उसको यूज करने के बाद हम जो साइनर है उसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जो फोमर है उसके जस्ट लगने के बाद, ताकि वह सूख ना जाए, उसकी जो डैशबोर्ड है वो सूखने से पहले हम इस पॉलिश का यूज करेंगे, ताकि डैशबोर्ड में या जो यह जो हम साइनर यूज कर रहे हैं वो उसके साथ अच्छे से एडजस्ट हो पाए। साइनर यूज करने के बाद आप देख सकते हैं गाड़ी की जो साइन है वो बिल्कुल एक अच्छी साइन निकल के आई है, और जो इसकी रूफ है वो भी एक बहुत अच्छी जो क्लीन हो गई है। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो देखनी है तो हमारे इस YouTube चैनल अमित डेकोरेशन को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।